यूपी के सहारनपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खाना बनाने के बाद एक दर्जन छात्राएं बीमार हो गई थी, जिसके बाद परिसर में खलबली मच गई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक छात्र की हालत गंभीर होने पर उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जिसकी खबर एमकेएन न्यूज ने प्रमुखता से चलाई थी। वहीं मामले में डीएम अखिलेश सिंह ने तत्काल जांच टीम का गठन कर जांच के आदेश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट में वार्डन मुकेश देवी, प्रभारी वार्डन नीलम सहायक, रसोईया आजाद सिंह की घोर लापरवाही की गई पाई गई, जिसके बाद डीएम के आदेश पर तीनों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। सहारनपुर से संवाददाता पारस पंवार की रिपोर्ट। ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है गंगोह में, इसमें भी 2 माह पूर्व कुछ शिकायतें प्राप्त थीं और कुछ बच्चों की तबीयत जो है खराब हुई थी, जिसमें एक जांच कराई गई 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 थी। जांचों उपरांत ये पाया गया था कि इसमें प्रथम दृष्टया जो वार्डन है मुकेश देवी, प्रभारी वार्डन नीलम और जो सहायक रसोईया आजाद सिंह, इनकी लापरवाही और गंभीर किस्म की जो है लापरवाही पाई गई।